तो अगर आप लोगों को भी ऐसे ही फास्ट फास्ट आयरन चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग, वेलकम बैक टू स्प्लेस गेमर्स। तो आज की वीडियो हमारे एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर आई है जिसका नाम है GOT गेमिंग। तो उसकी रिक्वेस्ट पर मैं आ लाया हूँ आप लोगों के लिए आयरन फार्म की वीडियो। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हमें आयरन फार्म बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमें कोई भी ऐसे ब्लॉक ले लेने हैं और 10 ब्लॉक तक की हमें यहाँ पे लाइन बना देनी है। जब हम ये 10 ब्लॉक की लाइन बना देंगे उसके बाद हमें आजू बाजू जो चारों तरफ हमें ऐसी 10 ब्लॉक की लाइंस बना देनी है और पूरा का पूरा एक स्क्वायर को कम्प्लीट कर देना है। तो अब यहाँ पर हमारा जो स्क्वायर है वो रेडी हो चुका है। इसको हमें अब 4 ब्लॉक की हाइट का बना देना है। तो जल्दी से जल्दी हम इसको 4 ब्लॉक की हाइट का बना देते हैं। तो बस इतना बनने के बाद हमें यहाँ पे जो ग्राउंड है उसको कम्प्लीटली क्लियर कर लेना है। मतलब कि यहाँ पे फूल वूल या घास वास हो तो उसको सबसे पहले कट कर देना है। और उसके बाद हमें यहाँ पर वाटर की एक बकेट ले लेनी है। आप यहाँ पर इन्फाइनाइट पहले सोर्स बना सकते हैं, उसके बाद भी यूज़ कर सकते हैं या फिर यूं ही ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमें चारों कोनों में पानी डाल देना है और बीच के जो 4 ब्लॉक्स होंगे वो 4 ब्लॉक्स के यहाँ पर पानी नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम वहाँ पर दूसरे यहाँ पर 4 ब्लॉक्स रख देंगे जो हमारे यहाँ पर एक निशानी रहने वाली है। उसके बाद जो भी पानी का सोर्स है उसे हम बंद कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर जो भी है चारों चार के जो ब्लॉक्स है वो सबसे पहले हम यहाँ पर तोड़ देंगे। और उसके बाद यहाँ पर जो एक लेयर होगा, एक लेयर के ब्लॉक्स, उसको हमें पूरा का पूरा तोड़ देना है। तो अब मैंने यहाँ पर पूरी की पूरी यहाँ पे जो एक लेयर है उसको कम्प्लीटली तोड़ दिया है। अब उसके बाद हमें यहाँ पर जो ब्लॉक्स है वो ब्लॉक्स को चारों कोनों में एक एक लगा देना है। और उसके अलावा जो बीच के ब्लॉक्स है वहाँ पे हमें मैग्मा ब्लॉक्स ले लेने हैं और मैग्मा ब्लॉक्स को पूरे के पूरे यहाँ पे बिछा देना है। लेकिन जो हमारे बीच के 4 ब्लॉक्स थे उसके नीचे हमें नहीं बिछाना। उसके बाद इन जो 4 ब्लॉक्स को हमने निशानी के लिए यहाँ पर रखा था उनको हमें तोड़ देना है। और ये बारिश ये बार बार चालू हो जा रही है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं बारिश को हटा के पहले दिन पे सेट कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ पूरा का पूरा जो वेदर है उसको। अब उसके बाद जो यहाँ पे हमारी वाटर बकेट है उन वाटर बकेट को जो मैंने यहाँ पे 4 ब्लॉक्स छोड़े थे उन 4 ब्लॉक्स के ऊपर डाल देना है कि जिसकी वजह से जो हमारे आयरन गोलम होंगे वो गोलम जो बह बह के यहाँ पे बीच के सेंटर की ओर आ सके। तो अब इसके बाद यहाँ पे हमें जो बीच के 4 ब्लॉक्स है उन 4 ब्लॉक्स को 3 ब्लॉक की हाइट तक डिग कर देना है। और जब ये हो जाए उसके बाद हमें जो यहाँ पे जो एक ब्लॉक से एक ब्लॉक की जो एक और लेयर है यहाँ पे निकाल देनी है। तो यहाँ पे जब ये लेयर कम्प्लीटली निकल जाती है उसके बाद हमें यहाँ पे एक सिंपली से जो हमारा जो कंस्ट्रक्शन ब्लॉक है उसको रख देना है। और उसके अलावा यहाँ पे जो बाकी के 3 हैं हमें मैग्मा ब्लॉक रखने हैं। इन मैग्मा ब्लॉक पर ही हमारे जो गोलम्स है वो गिरेंगे और मरेंगे जिसकी वजह से हमें आयरन मिल पाएगा। अब इसके बाद हमें यहाँ पे बटन लेना है। हम बटन में कोई सा भी बटन ले सकते हैं, आपको जो भी पसंद आया वो रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपली से कोई ऊपर वाले जो 2 थे उनमें से एक ले लिया है और किसी भी 2 साइड हमें यहाँ पे 2-2 बटन्स लगा देना है। तो अब इसके बाद हमें यहाँ पे एक वाटर बकेट ले लेनी है और वाटर बकेट को जो मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक छोड़ा था उधर रख देना है। इसके बाद जो ये पोजीशन 13 है जहाँ पे हमारा आयरन गोलम आएगा और मरेगा, तो ये पोजीशन 13 को आप सही तरीके से याद रखना। और सबसे पहले आप यहाँ पे अंदर आ जाना और जो ये पूरा का पूरा है उसे बंद कर देना। अब उसके बाद यहाँ पे जो नाइट की एक पोशन आती है आप नाइट की पोशन का भी यूज़ कर सकते हो या तो टॉर्चेस का भी यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद आपको यहाँ पे 3 या 4 ब्लॉक की गहराई तक खोद देना है और यहाँ पे जो हमारे पोजीशन 13 वाला जो ब्लॉक था वो ब्लॉक के नीचे तक आ जाना है। ध्यान रखना कि ऊपर से पानी ना गिरे इसलिए थोड़ा दूर से तोड़ के हमें नीचे की और यहाँ पे आ जाना है। अब उतना कर देने के बाद हमें यहाँ पर तो कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें उन चीज़ों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी चेस्ट की। तो हम यहाँ पे चेस्ट लिखते हैं तो हमारे पास जो चेस्ट थी वो चेस्ट आ जाएगी और चेस्ट को सबसे पहले हम यहाँ पे नीचे रखेंगे। तो हम यहाँ पे 2 चेस्ट का यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले तो इसे हम फिर से सही कर देते हैं। ओके, हो चुका है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे होपर ले लेना है और बैठ के लगाना है कि जिसकी वजह से होपर यहाँ पे लग सकता है। अब उसके बाद हमें यहाँ पे एक जो ब्लॉक है वो कोई भी आप ब्लॉक ले लो और उसके ऊपर चढ़ जाओ। और उसके बाद यहाँ पे रेल की जो पटरी है वो पटरी रख देनी है और जो माइनक्राफ्ट विथ हॉपर आता है वो माइनक्राफ्ट विथ हॉपर यहाँ पे रख देना है कि जिसकी वजह से ऊपर आयरन गोलम की जितनी भी आयरन हमें कलेक्ट होगी वो हमारी चेस्ट में यहाँ पर स्टोर हो सके।
तो अब इसके बाद हमें यहाँ पे बाहर जाने का जो एक रास्ता निकालना है, तो रास्ता निकालने के लिए आप लोग ये बात का ख्याल रखना कि हमें थोड़ा ज़्यादा दूर तक इसे तोड़ देना है कि जिसकी वजह से ऊपर से जो पानी हो पानी का नीचे ना जाए और हमारा कंस्ट्रक्शन जो है वो ख़राब ना हो सके। इसके बाद हम यहाँ पे बाहर आ जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे जो पूरा का पूरा सेटअप करा था वो कम्प्लीटली वर्क कर रहा है। अरे ये मैग्मा ब्लॉक टूट गया, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे सबसे पहले मैग्मा ब्लॉक लिखना है और मैग्मा ब्लॉक ले लेते हैं पहले, तो इसे जो हमारा कंस्ट्रक्शन ख़राब हुआ है सबसे पहले उसको सही कर लेते हैं। तो ओके अब ये कम्प्लीटली सही हो चुका है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे जो हमारा जो नीचे का एरिया है, सबसे पहले तो हम ऊपर नीचे करने के लिए हमें यहाँ पे लेडर्स की ज़रूरत होगी, तो सबसे पहले हम नीचे का जो एरिया है उसको कम्प्लीटली बना लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पूरा का पूरा एरिया था वो कम्प्लीटली बना लिया है, तो यहाँ पर जो हमारा नीचे का भी सारा का सारा सामान है वो कम्प्लीटली यहाँ पे चेस्ट खुल रही है और बंद भी हो रही है और सारा का सारा सामान सही तरीके से लग चुका है। तो अब यहाँ पे हमें जो लेडर्स है वो लेडर्स में यहाँ पे ले लेता हूँ और लेडर्स यहाँ पे हम लगा देंगे जिसकी वजह से हमें यहाँ पे ऊपर नीचे करना हो तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो हमारा मेन मेन सेटअप है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि आयरन गोलेम आएंगे कहाँ से। तो आयरन गोलेम का हम यहाँ पे कोई भी विलेजर या फिर जोम्बी का यूज़ करे बिना हम यहाँ पे आयरन गोलेम लाने वाले हैं। तो हम आयरन गोलेम लाएंगे कमांड ब्लॉक से। तो सबसे पहले जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ब्लॉक ले लिया और उसको बीच में या कहीं पर भी आप यहाँ थोड़े बहुत आगे तक ले आना है, और उसके बाद जो हमारा यहाँ पे कमांड ब्लॉक है वो कमांड ब्लॉक को एक हाइट ऊपर रखना है, और उसके बाद जो हमारे यहाँ पे नीचे का जो बेस है वो कमांड ब्लॉक के नीचे का बेस उसको कम्प्लीटली यहाँ पे पूरा कर देना है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपको ब्लॉक मैंने रखे हुए हैं सेम टू सेम आपको वैसे ही रख देना है। यहाँ पे थोड़े गलत तरीके से लग गए तो उसको मैं सही तरीके से लगा देता हूँ। तो पहला ब्लॉक ऊपर आएगा नीचे, और उसके बाद जो उसके बाद वाला ब्लॉक है वो भी थोड़ा ऊपर आएगा। तो इस तरह से कुछ एक सेटअप बनेगा। उस सेटअप को कैसे यहाँ पे मैं रेडस्टोन से फिलअप करूँगा वो मैं बताऊँगा, लेकिन सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो टाइम है वो रात का होने वाला है तो सबसे पहले उसको डे पे कन्वर्ट कर देते हैं तो हम यहाँ पे आसानी से हमारा जो व्यू है वो अच्छा रहे। तो अब हमें यहाँ पे एक रेडस्टोन टॉर्च ले लेनी है और पिस्टन ले लेना है, और उसके अलावा हमें यहाँ पे एक रेडस्टोन की जो डस्ट होती है वो डस्ट की भी ज़रूरत है। तो सबसे पहले डस्ट भी ले लेते हैं और जो रेडस्टोन रिपीटर है तो रेडस्टोन रिपीटर भी ले लेते हैं। हम इन चार चीज़ों से जो हमारा सेटअप है वो चार चीज़ों से बनने वाला है। उसके बाद हमें यहाँ पे रेडस्टोन टॉर्च लेके लगा देनी है और रेडस्टोन रिपीटर को कुछ इस तरह लगाना है जैसा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अब इसके बाद हमें रेडस्टोन डस्ट ले लेनी है और ये नीचे लगा देनी है जिसकी वजह से जो हमारी ये तीनों तीन चीज़ें वो एक साथ वर्क करने लगेगी। अब इसके बाद हमें पिस्टन यहाँ पे लगाना था, सॉरी पिस्टन अभी नहीं लगाना, पिस्टन हमें थोड़ी देर बाद लगाना है। तो पिस्टन लगाने से पहले हमें यहाँ पे लीवर लगाना है, तो लीवर मेरे पास पड़ा हुआ था तो सबसे पहले जो लीवर है उसको हम ले लेते हैं और लीवर को यहाँ पे पीछे लगा देते हैं कि जिसकी वजह से हम जो ये सिस्टम है इसको ऑन और ऑफ हमारे तरीके से कर सकें और ये वेदर को भी थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ कि कमांड ब्लॉक में हमें कमांड क्या देना है कि जिसकी वजह से यहाँ पे जो गोलेम है वो अपने आप स्पॉन होंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं वैसा वैसा आपको लिख देना है, ठीक है, कि जिसकी वजह से हमारा जो कमांड ब्लॉक है वो कम्प्लीटली वर्क करने लगेगा। अब इसके बाद हमें यहाँ पे जो पिस्टन है पिस्टन उसको यहाँ पे ऊपर लगाना है कि वो बाहर की ओर धक्का मारे और थोड़ा फास्ट वर्क कर रहा है, तो जो ये तीन टिक हमें पीछे ले लेना है कि जिसकी वजह से ये स्लो वर्क करे, लेकिन अभी भी गोलम स्पॉन नहीं हो रहा है तो अच्छा ठीक है। तो इसके अंदर जो हमें यहाँ पे आयरन के बाद यहाँ पे अंडरस्कोर लगाना था, तो ये जो कमांड है वो मैं यहाँ पर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूंगा कि जहाँ से आप कॉपी पेस्ट करके उसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो गोलम है वो स्पॉन होना भी स्टार्ट हो चुका है। अभी इससे कितना आयरन मिल रहा है और कितनी फास्ट मिल रहा है मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर नीचे जाकर, कि सबसे पहले तो हम यहाँ पर नीचे चलते हैं और देखते हैं कि हमारा जो वो आयरन है वो आयरन मिलना अभी स्टार्ट हुआ है या नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा नाइट पोशन को गिरा देते हैं कि जिसकी वजह से हम यहाँ पे कुछ सही तरीके से देख सकें। तो यहाँ पे आपको थोड़ा वेट करना है, थोड़ा वेट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा आयरन है वो मिलना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि गोलम बनना स्टार्ट हो गया, उनको थोड़ा टाइम लगता है इसलिए थोड़ा वक्त लग गया, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी फास्ट फास्ट आपको आयरन मिलना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और इस चैनल पे नया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बाजू वाला जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।